अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और वेलकम बैक हो गया सब लोग एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग का हम आगाज करते हैं, फिर इनको छोड़ते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर आज हमने काम करने के अपने जो बड़े मुर्गे हैं ठाकुर रानी गब्बर और शब्बो को जो है बड़े केज के अंदर शिफ्ट कर देने। आज बड़े कह रहे हो जो हमने बनाए हुए हैं ना उन केज के अंदर आज हम इनको शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने उनकी सफाई वगैरह करनी है और उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल देंगे क्योंकि नीचे से वो पक्का है तो फिर मसला वगैरह बन जाता है। और भी जल्दी जल्दी से बस इनको मैं अभी रोटी लेकर आया हूँ तो रोटी के छोटे छोटे पीस करते हैं और इनको देते हैं जल्दी से। और अभी मैंने इनको रोटी वगैरह डाल दी है, खा भी ली है सब ने, सब खा पी गए हैं, एकदम फिनिश हो गई है। इनको भी मैंने डाल ली, अभी थोड़ी सी रहेगी ये भी खा लेंगे, जितनी उन्होंने खानी थी वो खा ली है। पानी भी मैंने सबका चेंज कर दिया इनको भी, फिर इनको और उस साइड पे भी मैंने रख दिया। तो अभी जब हम हो गए एकदम फ्री, अभी बस हमारा एक ही काम है वो ये कि हमने इनकी सफाई करनी है और सफाई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर मिट्टी वगैरह डालेंगे और फिर आपको बताते हैं क्या क्या करना है। कि अगर नए केज भी बनाए तो अक्सर औकात होता है कि पुरानी जगह पर नए केज बनाए ना तो बीमारी वगैरह भी अक्सर औकात वहीं पर रहती है। तो फिर जो है नीचे क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मिलते हैं बाद में ही। यार अभी जो मैंने केज की सफाई वगैरह वो मैंने अच्छे तरीके से कर ली है, देखो एकदम मैं ये तो साफ़ सुथरे हो गए हैं। अभी इसके बाद जो करना है वो आपको बताता हूँ कि आप को अपने इलाके में किसी भी पेंट वाले से ना ये चीज़ ज़रूर मिलती होगी, चूना या कली। आप इन दोनों में से एक चीज़ ले आए जो आपको मिल जाए, कली ब्रीक होनी चाहिए और ये चूना तो पाउडर फॉर्म की शक्ल में ही होता है ये वाला। चलिए ओपन हो ये चीज़ जिप्सम, ठीक है। तो आपको ये किसी भी पेंट वाले से ज़रूर मिल जाएगा, तो आप ये ज़रूर अपने केज के अंदर ना डाल दिया करें, इससे काफ़ी हद तक जो बीमारी वगैरह ना ख़त्म हो जाती हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अभी हम इसको इसके अंदर डालते हैं। तो यार आज गर्मी बहुत है तो बस जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि देखो पसीनो पसीनी, शायद कैमरे के अंदर नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो तो मेरे फेस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, धूप काफ़ी तेज़ है। ये देखो भाई सूरज फुल अपने ज़ोरों शोरों पर है। तो जल्दी जल्दी बस करते हैं यार, और इधर अपना ये भी एडजस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमें अंडे भी देखेंगे, बच्चे देखेंगे। भाई जल्दी से जल्दी हम इसके अंदर अब चूना डालते हैं, इसको चूना लगाते हैं। और यार अभी जो मैंने चूना है इसके अंदर सारा डाल दिया है, पूरा कपड़ा पैकेट इन तीन के तीन, ये नीचे वाले देखो सारे वाइट वाइट ही हो गए नीचे से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से जो जरासीम वगैरह हैं वो मर जाएं, और उसके बाद हम फिर मिट्टी वगैरह डालेंगे और फिर इनको शिफ्ट करेंगे। अभी मिट्टी भी जो मुझे बाहर से लेकर आनी पड़ेगी, तो फिर अभी चलते हैं मिट्टी वगैरह लेकर आते हैं, तो फिर मिट्टी वगैरह डालते हैं और उसके बाद इनको शिफ्ट कर देंगे। तो अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है अपने सेटअप के ऊपर जो हमने चूना वगैरह जिप्सम बिखेरा था, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने दूसरे प्लॉट अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर। दूसरा जो प्लॉट बना रहे थे वहाँ पर हमने इधर मिट्टी वगैरह गिराई हुई थी, ये मिट्टी पड़ी हुई है, इधर से हम साफ साफ मिट्टी लेकर जाते हैं अपने सेटअप के ऊपर और जल्दी जल्दी से अपने केज जो है अपने सेटअप के जो केज है उनके अंदर मिट्टी वगैरह भरते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी है हुई है अभी, तो जल्दी जल्दी भरते हैं। मैं थोड़े जो मिट्टी से मैंने भर लिए हैं, लाया तो मैं 3 था लेकिन एक फट गया, तो अभी 2 मैंने भर लिए हैं अच्छे तरीके से, अभी लेके चलते हैं। अगर कम हुए तो फिर और ले जाएंगे। अलग खराब होगी यार, गर्मी बहुत है, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर नहा दो ऊपर फ्रेश होते हैं यार। एक बार निकालते हैं और रखते हैं और चलते हैं सीधा अपने सेटअप पर, तो वहीं पर अब मिलेंगे। सेटअप के ऊपर मिट्टी मैं लेकर आ गया हूँ, ये पड़े दोनों के दोनों ही, तो और मैंने जो है ऊपर छांव भी कर ली है। अभी बस आराम से बैठ के करते हैं, हवा के लिए भी पंखा लगा लिया है, तो बस जल्दी जल्दी हम मिट्टी को ब्रीक करते हैं, ब्रीक करके जो फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं। यार मिट्टी वगैरह भर दी है, अंदर डाल दी है ऊपर,
ये वाले तीनों के अंदर ही डाल दी अपने जो मुर्गे हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं इसके अंदर। जल्दी जल्दी जा रहे हो, हालत देख सकते हो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये चेक करो, मेरा फेस चेक करो, बाल मेरे ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई पागल नहीं होता ऐसे यार। हालत ख़राब, फुल टाइट हुई पड़ी है। जल्दी जल्दी यार करते हैं, फिर जाके नहाते धोते हैं। तो अभी मैं पकड़ लूँ अपने ठाकुर रानी को और गब्बर सिंह और दूसरा चारों को हम बंद करते हैं इधर। तो जल्दी जल्दी बंद। तो यार अभी मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है, इन दोनों को हम शिफ्ट करते हैं ये वाली केज के अंदर। चलो भाई, लो अभी आज तो बाद है थोड़ा मौजा मारो। सानू भी पता लगे भाई किने के अंडा दिता है। हूँ वारी ठाकर ते रानी दी, उन्होंने भी फाड़ लिए। इन दोनों को भी मैंने पकड़ लिया है, अभी इन दोनों को भी इनकी केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। चलो भी ये वाला केज थोड़ा मौजा मारो, हम बाहर नहीं आना, इतने ही रहना है जी, जो करना इतने ही करना जी, ठीक है। चलो जी इतने अगे आप ला दें ताकि बाहर ना आ सकन। दूसरे केज के अगे भी आप ला दें। यह अपने ठाकर ने गोद ले लिया भाई, ये उनके नाल ही रहिंदा है, इनू भी आपां उनके नाल ही छड्ड दिंदे आ। ओए छड्डन लगा यार, ये बच्चा अपनी रानी का है लेकिन उसके साथ ही रहता है अभी तक, मतलब छोड़ा नहीं है अभी, बस इनको इधर ही रहने देते हैं। ये इधर ही रहेंगे तो अच्छी बात है। चलो अभी और ये वाले इधर देखो मज़े कर रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं अब। चलो ठीक है यार, अभी इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि हालत बहुत टाइट हुई पड़ी है। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, एवरेज मीडियम हाई जैसी भी लगी तो ज़रूर बताना।